मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। एट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग टू द चाइल्ड डेवलपमेंट के इस क्लास में आज फिर से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यानी विकास में किस तरह ग्रोथ किया जा सकता है, डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ का क्या रिलेशन है। तो इसमें विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या समझते हैं आप कि विकास में वृद्धि हुआ है यानी बढ़ोतरी हुई है। तो नंबर ए ऑप्शन देता है ज्ञान में वृद्धि का होना, ऑप्शन नंबर बी है संवेग में वृद्धि का होना, सी ऑप्शन है कि वजन में वृद्धि का होना, और ऑप्शन नंबर डी है कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि का होना। तो कह रहा है कि विकास में जब वृद्धि होगी तो क्या क्या चीज़ बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि जब भी विकास में वृद्धि होगी तो वो आकार में भी होगा, सोच में भी होगा, समझ में भी होगा और कौशल में भी वृद्धि होगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि इसका राइट आंसर होगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू में कि शर्म तथा गर्व की भावना का विकास किस अवस्था में होता है। यानी शर्म भी हो रहा है बच्चे को, कोई बात हो गया तो शर्मा भी गया, प्राउड का भी फील हो रहा है, तो ये कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था है, बाल अवस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है? बताइए कि इन चारों में कौन होगा। शैशव अवस्था होगा जो बहुत छोटे उम्र का होगा, बाल अवस्था जो उससे आगे की उम्र होगी है ना वो होगा, या किशोरावस्था होगी या वृद्धावस्था होगा, कौन सा अवस्था होगा? तो ये अवस्था है बाल अवस्था। कौन सी अवस्था है? बाल अवस्था। इसमें बच्चों के अंदर शर्म तथा गर्व की भावना का विकास हो जाता है, बच्चे शर्म का भी एहसास करने लगते हैं और कभी कभी उनको गर्व भी होता है, जो कोई काम करते हैं उसको गर्व का एहसास भी होता है, यानी प्राउड का भी एहसास होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं कि कहा जाता है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी मेंटल एज 12 वर्ष है, एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चेंट वो कितना होगी, क्या होगा? तो उसका IQ क्या होगा? तो आप सभी, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए IQ बराबर होता है MA by CA into 100। तो यहाँ पे इसकी MA क्या है? MA by CA into 100। तो MA का मतलब यहाँ मेंटल एज है, तो ये मेंटल एज कितना है? तो मेंटल एज है इसका 12 वर्ष। कितना है? और CA कितना है? तो 10 वर्ष। गुणा करते हैं 100 से, तो उसे भाग दे दीजिए 10 दाही 100 और गुणा कर देंगे 12 को 10 से, तो 12 दाही 120, इट मीन्स 120 इसका आंसर आएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 120 है, तो इसका राइट आंसर होगा, IQ होगा उसका 120। ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन नंबर बी 130, ऑप्शन नंबर सी 120, तो 120 यहाँ मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर डी 140 है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि अगर एक बच्चे की उम्र जो है 12 वर्ष है, यानी उसकी जो मानसिक आयु है वो उसके उम्र से अधिक है, यानी जो उसका उम्र है उससे अधिक वो सोच लेता है, वो बच्चा ज़्यादा समझदार है, तो बच्चा जो है उसकी जो मेंटल एज IQ जो होगी उसकी वो होगी 120। यानी उसका उम्र तो 10 वर्ष है लेकिन उसका जो सोचने का क्षमता है वो 12 वर्ष के बालक की तरह है, तो उसको निकालने का आपको तरीका आपने जान चुका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार कहता है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन किस चीज का किया जाना चाहिए, बच्चों को किस चीज के लिए परखना चाहिए। तो मूल्यांकन किसके लिए किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, अगर मूल्यांकन करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? बच्चे पढ़ेंगे, क्या सही बात है? मूल्यांकन करने के बहुत बच्चे ऐसे हैं कि लाख मूल्यांकन कीजिए वो भगवान भरोसे है कि हाँ होगा, पास कर जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, क्या सही बात है? बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस है वो चाइल्ड बेस्ड है। तो बच्चों के सीखने के किसका है? सीखने के स्तर का ज्ञान हो जाता है कि कितना लेवल है बच्चों का, किस स्टैंडर्ड तक वो सीख चुका है, कहाँ तक उसका ज्ञान पहुंचा है। तो एग्जैक्ट अगर आप आंसर अगर मानेंगे तो एग्जैक्ट यू तो आपको लगेगा कि सभी सही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होगा बच्चों के सीखने के स्तर के ज्ञान के स्तर का ज्ञान होता है, यानी बच्चों के सीखने का स्तर का आपको पता लग जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव में कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है,
यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, सीखने का मतलब ये नहीं कि रट लेना यानी याद कर लेना, बल्कि ज्ञान का निर्माण करना यानी कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज, यानी किस प्रकार कर सकते हैं, किस वैज्ञानिक ने कहा था, मनोवैज्ञानिक ने, तो खास के देखें तो स्किनर ने कहा था, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, पियाजी ने कहा था और थॉर्नडाइक ने कहा था, ये चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि सीखने का मतलब है के अनुसार ज्ञान का निर्माण करना है, ज्ञान का क्या करना है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, कहीं कहीं फॉर्म करना है, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, एक शिक्षक को एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कार्य करना चाहिए, उसकी योजना जो बनानी पड़ती है, प्लान जो बनाना पड़ता है, वो कितने घंटे का। तो इसका ऑप्शन है पहला नंबर ऑप्शन ए 45 घंटे का, बी 30 घंटे का और सी 20 घंटे का और डी 35 घंटे का। इसका राइट ऑप्शन होगा कि 45 घंटे का कार्य योजना बनाना होगा, कितने घंटे का बनाना, 45 घंटे का कार्य योजना। ऑप्शन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता, यानी राइट टू एजुकेशन 2009 जो एक्ट आया था, ये किस उम्र के बच्चों यानी कौन से आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होगा। तो निःशक्त बच्चों का तो कोई आयु वर्ग लिमिट है ही नहीं, किया नहीं गया, तो उस पर लागू होगा या नहीं होगा, तो नहीं होने की बात है, तो ये तो सब पे लागू है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर यह लागू नहीं होता 2009 का यह अधिनियम। नंबर 58 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा निहित है, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो क्या है, कौन सी भाषा, कितनी भाषाओं को मतलब के स्थान दिया गया है, तो एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो भाषाओं को यानी लैंग्वेजों को जो स्थान दिया गया है, वो तीन भाषाओं को स्थान दी गई है, यानी तीन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।